धनबाद बीसीसीएल अंतर्गत संचालित आउटसोर्सिंग कंपनियों पर मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी मुनिडीह एरिया में संचालित इंदु आउटसोर्सिंग कंपनी पर मनमानी, 150 मजदूरों को छंटनी काम से हटाए जाने के विरोध में मजदूर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। 18 सितंबर से हटाए गए मजदूर भूख हड़ताल पर हैं। भाजपा नेता गुड्डू रवानी मजदूरों का साथ देते हुए अनशन पर हैं। मजदूर इंदु आउटसोर्सिंग कंपनी और बीसीसीएल के खिलाफ नारेबाजी कर अपना आक्रोश जता रहे हैं। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे मजदूरों ने कहा कि जनवरी 2024 में इंदु आउटसोर्सिंग कंपनी नुकसान होने की बात कहकर 400 मजदूरों को हटा दिया था। वहीं अप्रैल माह में 250 मजदूर को वापस काम पर ले लिया है, लेकिन 150 मजदूर को काम पर नहीं लिया गया। इस कारण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया गया है। जब तक काम पर वापस नहीं लिया जाता, भूख हड़ताल जारी रहेगा। हम लोग इंदु कंपनी के अंतर्गत जो एडोट माइनिंग था उसमें काम करते थे। 24 जनवरी का रात अचानक से सभी को काम को बंद कर दिया गया। बोला आज से आप लोगों का काम बंद हो गया है, क्योंकि कंपनी घाटा में जा रही है, अब से आप लोगों का काम में छुट्टी। और इसके बाद जब उन्होंने हम लोगों ने फिर हड़ताल किया, तीन चार दिन के बाद से हड़ताल शुरू किया, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, जब कंपनी चालू होगा तो हम सबको लेंगे। कंपनी अप्रैल माह में चालू हुआ, लेकिन उसमें सिर्फ 250 आदमी को चुना गया और हम लोगों को बोला था आज करेंगे, कर करके 7-8 महीना बीत गया है, अभी तक नहीं लिया गया है। उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल किए थे 12 अगस्त को मुनिडीह के मेन गेट पर। उस दिन भी हम लोग 2 दिन भूख हड़ताल पर रहे हैं। शाम को वार्ता हुई तो जीएम साहब ने कहा कि उन्होंने लिखित भी दिया था हम लोगों को कि ठीक है, आप लोगों को काम में लिया जाएगा। उसके बाद जब हम लोग इंदु कंपनी के कोई अविनाश नाम के एचआर से जाके भेंट किए तो वो बोले कि अभी हम लोग आपको एचपीसी रेट भी नहीं दे सकते हैं और ना ही इंदु कंपनी में रख सकते हैं। रॉक माइनिंग या एसएसएमडी में आप लोगों को काम करना होगा, जो 500-600 देता है वही आप लोगों को मिलेगा, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं दे सकते। अब हम लोग तो भूख के कगार पर बैठे हुए हैं। सभी के बाल बच्चे रोड पर आ गए हैं, क्योंकि जितना भी सभी के बाल बच्चे सरकारी स्कूल में अभी बीच में नहीं लिया जा सकता, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्हें निकाल दिया गया है। अभी हम लोग भूख से भी सभी जितने भी 150 मजदूर हैं, किसी का घर में कोई रोजी इस तरह का नहीं है, सब भूख से ही तड़प रहे हैं। इसलिए आज हम लोग सीएमडी के गेट मुख्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुनिडीह पश्चिमी झरिया क्षेत्र में इंदु आउटसोर्सिंग कंपनी ने 400 लोगों को काम में नुकसान होने का हवाला देते हुए सबको बैठा दिया था। उसके बाद मजदूरों ने हड़ताल किया तो सीएमडी साहब ने भी आश्वासन दिया था कि पुनः जब भी काम चालू होगा सभी मजदूरों को काम पर रख लिया जाएगा। अप्रैल माह में काम इंदु आउटसोर्सिंग का चालू हुआ और बाई फेज उन्होंने लोगों को रखना चालू किया और 250 मजदूरों को रखा और इन लोगों को कहा कि आप लोगों को भी रखेंगे, लेकिन छल के माध्यम से उन लोगों को रखेंगे करते हुए 7-8 महीना बिता दिया। इसके बाद हम लोगों ने पिछले अगस्त माह में 12 अगस्त को भूख हड़ताल मुनिडीह पश्चिमी झरिया क्षेत्र के मुख्य द्वार पर किया था और वहाँ पर मुनिडीह प्रबंधन के द्वारा यह लिखित आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को 4 दिनों के अंदर में जितने भी मजदूर बैठे हैं उनको एचपीसी वेतन के साथ में सब कॉन्ट्रैक्टर में रख लिया जाएगा, इंदु में हम नहीं रख सकते। हम बोले चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, एचपीसी वेतन इन लोगों को मिलता था वो मिलेगा तो हम लोग मान जाते हैं इस बात को लेकर के। लेकिन हम लोग 20-25 दिन वहाँ पर दौड़ते रहे, कोई मैनेजमेंट नहीं सुनने के लिए तैयार था। इंदु के अधिकारियों से जब मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको सब कॉन्ट्रैक्टर में वो वेतन जो देते हैं उन्हीं पर काम करना होगा। वहाँ पर जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लोग न्यूनतम मजदूरी तक लोगों को नहीं दे रहे हैं। जिनको साथ इन्होंने काम दे दिया आरती कंस्ट्रक्शन कंपनी को, वह मजदूरों को 350-400 रुपये में खटा रही है, जबकि 650 रुपये मिनिमम वेजेस था और एचपीसी वेतन देना था इन लोगों को, जो उसका एचपीसी वेतन 1350 रुपये बनता है। कितना मजदूर पे छुट्टी? 150 मजदूरों को हम लोग रखने का मांग कर रहे थे, उसी के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं। और 250 लोगों को जो लिया है वो भी पिक एंड चूज करके लिया, किसी के दबाव में, किसी के कहने पर, और रैयतों को लिया। लेकिन इन लोगों को क्यों नहीं लिया, यही सवाल हम लोग इस यहाँ पर सीएमडी कार्यालय के मुख्यालय पर बैठ करके सीएमडी साहब से पूछना चाहते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या गलती, आप इन लोगों को क्यों निकाल दीजिएगा 7-8 साल से काम कर रहे मजदूरों को। कब तक रहेंगे? जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी, या तो हमारा सांस बंद होगा या तो हम लोगों का मांग पूरा होगा।